हेलो सर। सर डेडलॉक का तीन प्रॉब्लम नहीं समझ आया सर, जो आप बताए थे थर्ड प्रॉब्लम उसका। आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक एग्जांपल देखा, एक सीन। दूसरा केस में क्या है? सपोज हमारा जो इवन वाला फिलोसफर है, सपोज इवन फिलोसफर मैंने लिया फोर। अब इवन फिलोसफर और इस ऑड फिलोसफर, फोर और फाइव को साइमेंटेनियसली दे गेट हंग्री, तो फोर और फाइव दोनों चॉपस्टिक्स को पिक करेंगे। जो ऑड फिलोसफर है वो लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को पिक करेगा। मतलब जो फाइव नंबर का फिलोसफर है, इसका लेफ्ट चॉपस्टिक कौन सा हुआ? वन। तो उसने पिक किया सबसे पहले वन को, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रोसेस होगा, लेफ्ट जो फोर्थ है आपका इवेंट प्रोसेस है, वो पहले किसको पिक करेगा? राइट वाले को। ये क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो ऑड फिलोसफर है, ऑड फिलोसफर ने पहले पिक किया लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को, मतलब वन चॉपस्टिक को, देन इसको फाइव वाले को। और जो इवन फिलोसफर है उसने पहले पिक किया फोर को और देन पिक किया फाइव को। तो इस केस में अगर सारे फिलोसफर्स को भी एक साथ भूख लगती है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर इस केस में हमारे जितने भी फिलोसफर्स हैं, दे ऑल गेट हंग्री एट ए टाइम, सारे के सारे फिलोसफर्स को एक साथ भी भूख लगती है, तब भी उस केस में डेडलॉक नहीं होगा। कैसे? जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल में जितने भी ऑड फिलोसफर्स थे, ऑड फिलोसफर्स जो थे वो पहले अपना लेफ्ट वाला चॉपस्टिक को पिक कर रहे थे। तो वन का लेफ्ट कौन सा हुआ हमारा? ये इस चॉपस्टिक को पिक किया। टू को राइट वाला पिक करना है, अवेलेबल नहीं है, ये पिक नहीं कर सकता। थ्री को भूख लगी थी, थ्री को अपना लेफ्ट वाला पिक करना है, ऑड नंबर है, इसने ये वाला पिक कर लिया, ठीक। नेक्स्ट फोर को भूख लगी, फोर को पिक करना था राइट वाला, अवेलेबल नहीं है, तो फोर्थ अभी नहीं एक्सिक्यूट हो सकता। फिफ्थ को भूख लगी, फिफ्थ को अपना पिक करना था पहले लेफ्ट वाला, फिफ्थ ने इसको पिक किया। तो अब इस केस में एक टाइम पर तीन ही फिलोसफर्स ने चॉपस्टिक उठाई, तो इन तीन फिलोसफर कभी भी चॉपस्टिक जब रखेंगे तो बाकी चॉपस्टिक्स का हमारा या बाकी प्रोसेसेस का एक्सिक्यूशन हो जाएगा। इस केस में ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी कि हमारे पांचों फिलोसफर्स के पास एक एक चॉपस्टिक हो और वो दूसरी चॉपस्टिक के लिए वेट कर रहे हैं। एक टाइम पे अगर सबको भूख लगती भी है तो हमारे इवन प्रोसेस खा रहे होंगे या हमारे ऑड प्रोसेसेस खा रहे होंगे। ये क्लियर है? समझ आया? थोड़ा सा अपने आप से भी एक बार जो सिचुएशन है उस पर ट्राई करिएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर थोड़े बहुत हैं तो, ठीक है। कि कैसे इवन वाले को हम ग्रांट करके करेंगे, कैसे ऑड वाले को ग्रांट करके करेंगे। चलिए,
अगेन जो यहाँ पे सॉल्यूशन बताया, ये सॉल्यूशन सिर्फ इस चीज की गारंटी लेता है कि सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा, स्टार्वेशन हो सकता है, दैट्स इट। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में आपका सिलेबस के हिसाब से इतना ही कंटेंट है जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया, दैट्स ऑल विद द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम फ्रॉम माय एंड, मेरे एंड से खत्म है। अब किसी को जो डाउट्स हैं, डाउट्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 बजे से मेरी मीटिंग है तो मैं 11 बजे तक ही कॉल लूंगा, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, मीटिंग एंड कर दूंगा, ठीक है। ये सिर्फ आज ही के लिए है क्योंकि आज ही मीटिंग है, कल से क्लास आपकी जैसे 11 बजे होती थी उसी टाइम पे रहेगी। चलिए क्वेश्चन किसी का, विकास, बेटा वीडियो ऑन रखिए तो मैं ढूंढ लूंगी इसलिए। हाँ विकास, आवाज आ रही है विकास? विकास शायद नेटवर्क इशू है, विकास से बात नहीं हो रही है। नीलेश, हाँ नीलेश, स्ट्रक्चर ऑफ फिलोसोफर बताए थे आप इसमें, ईट जैसे आप क्रिटिकल, आवाज नहीं आ रही नीलेश आपकी। हेलो, एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो सर, जो स्ट्रक्चर ऑफ फिलोसोफर बताए थे आप उसमें सर, इसे चॉपस्टिक, एक चॉपस्टिक को वेट किए सर, आई प्लस वन मॉड फाइव में उसकी राइट वाली वेट हो जाएगी, एक लेफ्ट एक राइट वेट हो गया, तो उसके बाद सर जब दोनों को क्रिटिकल सेक्शन के बाद दोनों को रिलीज कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद थिंकिंग बस वापस है। बेसिकली फिलोसोफर को करना क्या है, जब भी उसको भूख लगेगी उसको दोनों चॉपस्टिक उठानी है, तो पहले उसने लेफ्ट वाले को लॉक किया फिर उसने राइट वाले को लॉक किया, अब उसने दोनों चॉपस्टिक पिक करी, पहले वेट से सिर्फ लॉक किया है, पिक नहीं किया है, ठीक है, वेट से सिर्फ लॉक किया ताकि उस टाइम पर दूसरा कोई फिलोसोफर, उसका नेबरिंग फिलोसोफर उसी चॉपस्टिक को ना पिक करे, तो पहले लॉक किया, जब लॉक कर दिया उसके बाद उन दोनों चॉपस्टिक्स को उठाया और फिर ईटिंग परफॉर्म किया, ईटिंग के बाद वापस से वो चॉपस्टिक्स को अपनी प्लेस पे रखा और उसके बाद उस पर को अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद जब उसने वो चॉपस्टिक्स को अनलॉक किया देन अब वो थिंकिंग वाले फेज में चला गया जो उसका दूसरा काम था, मतलब रिमेनिंग कोड में चला गया। क्लियर? हाँ सर, ये भी जानना था सॉल्यूशन, जो डेडलॉक का सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन बताए हैं आप, हाँ सर, अगर ये तीनों सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली फॉर्म होंगे कि जो डिपेंडेंट, नहीं कोई भी एक, कोई भी एक, तीनों सॉल्यूशन, तीनों आपके डेडलॉक के सॉल्यूशन है, तीन में से कोई एक सॉल्यूशन आपको अप्लाई करना है। और सर जो थर्ड सॉल्यूशन बताए हैं सर, उसमें तो मैक्सिमम एक फिलोसोफर एक बार में एक ही फिलोसोफर खा पाएगा ना? नहीं, क्योंकि उसमें चॉपस्टिक जब इस तरह डिवाइड होगी तब तो फिर एक ही हो पाएगा। वो उस सिचुएशन में होगा जब पांचों फिलोसोफर को एक साथ भूख लगेगी तब। हमें यहाँ पे डेडलॉक ब्रेक करना था बस। थैंक यू। नेक्स्ट सुमित सर, स्टार्टिंग में मेरा छूट गया था सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे एक एक कोई अगर एक मतलब जब ईटिंग कर रहा हो और उसके बाद में वो कुछ टाइम तक जब थिंकिंग करता है तो उसका उसका चॉपस्टिक कोई दूसरा यूज कर सकता है कि नहीं? हाँ, जब ईटिंग कर रहा है सिर्फ उतनी देर उसने चॉपस्टिक को लॉक रखा है, ईटिंग के बाद उसने सिग्नल फंक्शन एक्सिक्यूट किए, मतलब उसने चॉपस्टिक से लॉक हटा दिया, अनलॉक कर दिया उसको, अब जब वो थिंकिंग फेज में है तब उस टाइम पे उसके जो नेबरिंग फिलोसोफर्स हैं वो उस चॉपस्टिक को यूज कर सकते हैं। सर इसमें नहीं सुना, मतलब कि ऑड वाला को लेफ्ट और इवन वाला को राइट क्यों किए? ये सॉल्यूशन है उसका कि इस तरह से जो हमारी सर्कुलर वेट वाले डेडलॉक की कंडीशन है वो कंडीशन ब्रेक हो रही है, सर्कुलर वेट कंडीशन अराइव नहीं होगी। नेक्स्ट सृष्टि,
स्टार्वेशन के लिए है सॉल्यूशन, वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो जाएंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वैसे एग्जिस्ट करते हैं। शिवम पांडे, हेलो। हाँ सर, यही क्वेश्चन था कि मतलब कि स्टार्वेशन को कैसे अवॉइड करेंगे इसमें? नहीं होता है, वो सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन विकास। हाँ विकास, आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ सर, ये कह रहे हैं सर कि सब 5 से कम फिलोसफर हो सकते हैं? 5 से कम फिलोसफर्स? यस सर। 5 से कम फिलोसफर्स हमारे तभी हो सकते हैं जब हम डेडलॉक फ्री वाला सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं साथ में, कि एक टाइम पर हम किसी भी 4 फिलोसफर्स को अलाउ करें चेयर पे बैठने के लिए। सर अगर सब 5 करेंगे तो डेडलॉक हो जाएगा वहां पे? हाँ, तो वो उस कंडीशन को जो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन है कि 5 फिलोसफर एक दूसरे के फिनिश होने का वेट कर रहे हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमने एक फिलोसफर को अलाउ ही नहीं कर रहे, मैक्सिमम एक टाइम पे 4 ही फिलोसफर बैठे बस। ओके सर, थैंक यू। चलिए और किसी का क्वेश्चन? चलिए क्लियर है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम के केस में मैं आज आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, कल इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अगेन यूजिंग सीमाफोर्स। ठीक है, तो इसको भी मैं स्लाइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। अब जैसा कि सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसका नाम है, प्रॉब्लम का नाम है हमारा स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर हमारे दो लोग हैं, एक तो बार्बर है और एक हमारा जो सिर्फ दो ही काम करेगा, बार्बर है, बार्बर या तो स्लीप करेगा या फिर हेयर कट करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसमें दो ही लोग होंगे, एक तो बार्बर होगा, दूसरा कस्टमर्स होंगे जिसका हेयर कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को पहले मैं एक डायग्राम के फॉर्म से रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर आपका देखते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या क्या थी, इसमें कंस्ट्रेंट क्या क्या है। ठीक है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को तो हाथ उठा दीजिए एक बार। ओके, तो सुनिए, यहां पर जो स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है इसमें कुछ सिनेरियो इस टाइप से है कि एक हमारे पास बड़ा सा हॉल है, तो हॉल को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। हॉल में जो है कुछ आपके कंडीशंस हैं, पहला कि हॉल में जो एंट्री है वो एक साइड से एंट्री होगी और एक साइड से हमारा कस्टमर्स एग्जिट करेंगे, बार्बर एग्जिट नहीं करेगा, जो कस्टमर्स हैं वो एक साइड से एंटर करेंगे हॉल में और दूसरी साइड से हॉल से एग्जिट करेंगे। जो हॉल है पूरा, इस हॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया का मतलब वो एरिया जहां पर कस्टमर्स वेट करेंगे, और दूसरा एरिया है हमारा बार्बर एरिया। बार्बर एरिया जहां पर एक्चुअल में बार्बर हेयर कट परफॉर्म करेगा। जो वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया में n नंबर ऑफ चेयर्स पड़ी हुई हैं, n नंबर ऑफ चेयर्स। अगर कस्टमर एंटर किया
उसने देखा कि यहाँ पर बार्बर हमारा अवेलेबल है तो वो हेयर कट के लिए जाएगा, अदरवाइज वो इन चेयर्स पे अगर अवेलेबल होगा स्पेस तो यहाँ पर वेट करेगा। नेक्स्ट, जो बार्बर एरिया है, बार्बर एरिया में जाने के लिए, वेटिंग एरिया से बार्बर एरिया में जाने के लिए एक डोर है और बार्बर एरिया में एक बार्बर चेयर पड़ा हुआ है जिस पर एक्चुअल में बैठ के आपका हेयर कट होगा। जैसा नॉर्मल हमारे यहाँ होता है कि हम लोग जब शॉप पे जाते हैं तो वहां पर एक वेटिंग एरिया है जहां पर नॉर्मली कस्टमर्स आके बैठते हैं, जब उनका टर्न आता है तो बार्बर उनको बुलाता है और एक स्पेशल चेयर पे बैठाता है जिस पर वो हेयर कट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन इसी टाइप से है कि एंट्री सेक्शन से कस्टमर एंटर हुआ, उसने देखा कि अगर यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है तो यहाँ पर चेयर पे जाके बैठ गया, अदरवाइज वो एग्जिट कर गया अगर सारी की सारी चेयर्स फुल है। बार्बर का काम क्या है? बार्बर को दो ही काम करने हैं, हेयर कट परफॉर्म करना है और दूसरा स्लीप करना है। तो अगर कोई कस्टमर यहाँ पर वेटिंग एरिया में अवेलेबल है तो उसको बुला के लाएगा, उसका हेयर कट परफॉर्म करेगा, हेयर कट परफॉर्म करने के बाद फिर से चेक करेगा, अगर वेटिंग एरिया में कोई कस्टमर है तो उसका हेयर कट होगा, अगर वेटिंग एरिया ब्लैंक है वहां पर कोई भी नहीं है तब उस केस में बार्बर सो जाएगा। तो यही साइकिल हमारी रिपीटली एक्सिक्यूट होती रहेगी। बार्बर को दो ही काम करने हैं, या तो स्लीप करेगा या फिर वेट करेगा। या हेयर कट करेगा, सॉरी। समझ में आया सिनेरियो? सिंपल सा है, ठीक है। जो रियल लाइफ सिनेरियो है बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। लड़कियां जैसे पार्लर में जाती हैं वैसे ही हम लोग जैसे सैलून में जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें जो कंडीशंस हैं हमारी, उन कंडीशंस को देखते हैं। डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कहां पे क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कंडीशंस देखिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो बार्बर शॉप है उसमें हमारे n वेटिंग चेयर्स हैं, मतलब n कस्टमर्स वेट कर सकते हैं, और एक बार्बर चेयर है जो अभी आपको सिनेरियो में दिखाया था। देयर इज अ बार्बर शॉप विथ n चेयर्स फॉर वेटिंग कस्टमर, कस्टमर्स के वेट करने के लिए n चेयर्स थे और एक बार्बर चेयर थी जिस पे हेयर कट परफॉर्म होगा। दूसरा सिनेरियो, जब कस्टमर शॉप में एंटर करेगा अगर कोई भी चेयर फ्री नहीं है वेटिंग एरिया में तो कस्टमर बाहर चला जाएगा। इफ कस्टमर एंटर्स द शॉप एंड देयर आर नो फ्री चेयर्स, कोई भी फ्री चेयर नहीं है तो कस्टमर क्या करेगा, लीव्स द शॉप, बैठने की जगह नहीं है तो बैठेगा नहीं, खड़ा नहीं रहेगा, निकल जाएगा बाहर। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन, अगर कस्टमर शॉप पे पहुंचा और बार्बर स्लीपिंग मोड में है, मतलब बार्बर स्लीप कर रहा है, मतलब जो कस्टमर पहुंचा वो अभी एकलौता कस्टमर है, बार्बर बिजी नहीं है हेयर कट में, तो कस्टमर क्या करेगा, बार्बर को वेक कराएगा, उसको उठाएगा और अपना हेयर कट परफॉर्म करेगा। ये कंडीशन कब आएगी, जब बार्बर स्लीपिंग मोड में होगा, ठीक है। बार्बर स्लीपिंग मोड में कब जाएगा, जब हेयर कट परफॉर्म करने के बाद वेटिंग एरिया में कोई भी कस्टमर नहीं था तो वो सो गया। अब वो बीच बीच में उठ के नहीं देखेगा, वो सो गया, अब जब भी कोई कस्टमर आएगा, पहला कस्टमर होगा, तो वो आके बार्बर को चेक करेगा, बार्बर बिजी नहीं है तो उस केस में बार्बर को उठाएगा और अपना हेयर कट परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, जब बार्बर ने हेयर कट अगर बार्बर बिजी है, बार्बर बिजी है मतलब बार्बर किसी और का हेयर कट परफॉर्म कर रहा है और वेटिंग एरिया में चेयर्स भी अवेलेबल हैं, तब उस केस में कस्टमर क्या करेगा, एक सीट लेके वेट करेगा अपने टर्न का,
जो भी उसका सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो अगर बार बार बिजी है किसी दूसरे का हेयर कट परफॉर्म करने में, और इसी बीच में हमारे पास वेटिंग एरिया में स्पेस भी अवेलेबल है, तो जो कस्टमर एंटर होगा वो उस चेयर पे किसी भी एम्प्टी वाले चेयर पे वेट करेगा अपने टर्न का। नेक्स्ट कंडीशन, अगर बार्बर ने हेयर कट परफॉर्म कर लिया, बार्बर फिनिशेस द हेयर कट, और कोई भी वेटिंग एरिया में कस्टमर नहीं है, ठीक है, सॉरी ये था, अगर वेटिंग एरिया में कस्टमर है तब उस केस में बार्बर नेक्स्ट कस्टमर का हेयर कट परफॉर्म करेगा। अगर वेटिंग एरिया में कस्टमर नहीं है तब उस केस में वो सो जाएगा। अगर नहीं है कस्टमर, नो कस्टमर, तब उस केस में बार्बर गोज टू स्लीप इन हिज चेयर। समझ में आया जो सिनेरियो बताया? अच्छा, इसमें एक चीज और समझिएगा, मैं दोबारा से आपको डायग्राम शेयर कर रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको देखिए, ये फिगर था हमारा। जब भी कस्टमर एंटर करेगा तो सपोज हमें यहां पर एक चेयर को, कोई भी एक चेयर को हमें हमेशा फिक्स रखना है कि जो बार्बर है उसको ये कैसे पता चलेगा कि एन चेयर में से किस वाले कस्टमर का अब टर्न है। तो यहां पर सपोज हमने इस वाले चेयर को फिक्स कर लिया, इस चेयर को वन, ठीक है। तो जब भी बार्बर आएगा हेयर कट परफॉर्म करने के बाद वो इस चेयर को चेक करेगा। अगर यहाँ पे कस्टमर अवेलेबल है तब उस केस में वो उस कस्टमर को यहाँ पर ले आएगा, जो कस्टमर यहाँ बैठा होगा डोर से बार्बर चेयर पे, और जो यहाँ वाला कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे पे, इसी तरह से सारे, ठीक है। अब जब कोई नया कस्टमर एंट्री किया तब उसको पूरी एन चेयर्स को चेक नहीं करना है, उसको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ तक चेयर्स फिल हैं। सपोज यहाँ तक चेयर्स फिल हैं तब उस केस में जो नया बंदा आया वो यहाँ पर हमारा बैठ जाएगा, मतलब ऑर्डर चलेगा, जैसे हमारा शॉप्स में चलता है क्यू, तो उसी टाइप से क्यू के पैटर्न पे हमारा यहाँ पर वेटिंग परफॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि रेंडमली कहीं पर भी जाके बैठ जाएगा। तो बार्बर को कैसे पता चलेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया? तो हर एक के बाद हमें शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है। बार्बर डेडिकेटेड एक ही चेयर से हमेशा पिक करेगा कस्टमर्स को, और जब भी वो चेयर एम्प्टी होगी तो बाकी जितने कस्टमर्स वहां पे वेटिंग एरिया में अवेलेबल हैं वो एक एक करके सब शिफ्ट हो जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन किसमें कराना, यहाँ पे प्रोसेस कौन कौन से हुए चैट बॉक्स में टाइप करिए, प्रोसेस क्या क्या हुए इस सिचुएशन में। कस्टमर प्रोसेस है, करेक्ट, और क्या प्रोसेस है? हेयर कटिंग नहीं है, सिटिंग भी नहीं है, कस्टमर प्रोसेस है और बार्बर प्रोसेस है, ठीक है। हेयर कटिंग और स्लीपिंग ये बार्बर प्रोसेस के दो सब टास्क हैं, ठीक है। हेयर कटिंग और स्लीपिंग ये बार्बर प्रोसेस के दो सब टास्क हैं। अब इसमें भी देखिए दो सब टास्क हैं। तो जो हेयर कटिंग है, हेयर कटिंग में कस्टमर से रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, दूसरे एंटिटी का रोल है। तो जो हेयर कटिंग है दिस इज क्रिटिकल सेक्शन ऑफ बार्बर प्रोसेस, जो हेयर कटिंग है दैट इज क्रिटिकल सेक्शन ऑफ बार्बर प्रोसेस, ठीक है। और जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग में उस प्रोसेस को, बार्बर प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से मतलब नहीं है, तो जो स्लीपिंग वाला पार्ट है वो रिमेनिंग कोड है बार्बर प्रोसेस का। जैसे अभी हमने डाइनिंग फिलोसफर देखा था, डाइनिंग फिलोसफर में जब ईटिंग परफॉर्म हो रहा है तो वो हमारा है क्रिटिकल सेक्शन, जब थिंकिंग हो रहा है तो वो है हमारा रिमेनिंग कोड। सेम गोज विद द बार्बर,
बार्बर प्रोसेस में जब हेयर कट परफॉर्म हो रहा है तो भाई हेयर कट बार्बर अपना नहीं कर रहा है, कस्टमर का कर रहा है, तो यहाँ पे दूसरे प्रोसेस का रिलेशन है, ठीक है, दूसरा प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो ये कटिंग वाला, हेयर कटिंग वाला प्रोसेस हुआ, ये हुआ क्रिटिकल सेक्शन। और जो स्लीपिंग मोड है, स्लीपिंग मोड में बार्बर को किसी कस्टमर से मतलब नहीं है, अगर वो सो रहा है तो उसको सिर्फ सोना है। तो यहाँ पर जो स्लीपिंग टास्क हुआ, ये टास्क हुआ उसका रिमेनिंग कोड बार्बर प्रोसेस का, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो प्रॉब्लम में इसमें सॉल्यूशन प्रपोज करना है, सॉल्यूशन क्या प्रपोज करना है, बेसिकली सॉल्यूशन क्या प्रपोज करना है, सॉल्यूशन ये प्रपोज करना है जो मैंने आपको कंडीशंस बताई अभी सारी, वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता रहे। जैसे कि अगर एक कस्टमर एंटर हुआ और हमारी वेटिंग एरिया में कोई भी चेयर अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर बाहर चला जाए, ठीक है। तो हमें कस्टमर प्रोसेस में ये चेक करना है कि वेटिंग एरिया में स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तब तो हम उसको सीट प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगेन, अब स्पेस अवेलेबल है, मान लो चार चेयर खाली हैं, तो चार में से किस पे बैठेगा, चारों पे तो बैठेगा नहीं, किसी एक चेयर पे बैठेगा, तो वो हमें देखना है कि हमें नेक्स्ट किस चेयर पे, किस अवेलेबल चेयर पे उसको सिट कराना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कस्टमर एंड से, कस्टमर वाले प्रोसेस में हमको ये काम करना है। बार्बर प्रोसेस में हमें क्या करना है, बार्बर प्रोसेस में हमें चेक करना है कि कस्टमर अवेलेबल है कि नहीं, अगर कस्टमर अवेलेबल है तो उसका हेयर कट करना है, हेयर कट करने के बाद वापस से चेक करना है वेटिंग एरिया में कि कस्टमर अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो फिर उसका हेयर कट करना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो बार्बर स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। अब बार्बर अपने आप से स्लीपिंग मोड से बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि बार्बर दो मिनट के बाद फिर उठा फिर जाके देखेगा, नहीं। अब जब कस्टमर आएगा, कस्टमर पहली वाली चेयर पे आया, जो मैंने अभी आपको एक मार्क करके दिखाया था, अगर पहली वाली चेयर पे कस्टमर आके बैठा, फिर वो अंदर जाके चेक करेगा कि बार्बर स्लीपिंग मोड में है कि बिजी मोड में है, बिजी मोड मतलब किसी और का हेयर कट कर रहा है कि स्लीपिंग कर रहा है। अगर हेयर कट कर रहा है तब उस केस में वापस से आके अपनी चेयर पे बैठ जाएगा, अगर हेयर कट नहीं कर रहा है स्लीपिंग मोड में तो बार्बर को उठाएगा और अपना हेयर कट कराएगा। क्लियर है सारी सिचुएशन, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमें इसी सिचुएशन पे अब यूजिंग सीमाफोर एक सॉल्यूशन प्रपोज करके देना है, दैट्स इट। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम में इतना ही। अभी तक में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूं उसके बाद। कोई डाउट? चलिए, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, रीडर राइटर प्रॉब्लम भी फिनिश हो गया है और डाइनिंग फिलोसोफर भी। इन दोनों के नोट्स आपको आज अवेलेबल हो जाएंगे, मैसेज आपको आ जाएगा, ठीक है। और असाइनमेंट के लिए परेशान नहीं होइए, जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसके संग कुछ टाइम भी दूंगा आपको करने के लिए। तो असाइनमेंट के लिए अभी परेशान नहीं होइए, असाइनमेंट में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा लूं उसके बाद देना चाहता हूं। पहले से असाइनमेंट दे देंगे तो समझ नहीं आएगा, तो पहले लेट मी फिनिश द टॉपिक फर्स्ट, देन आई विल गिव असाइनमेंट बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड टॉपिक्स। जो पढ़ाए होंगे सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे असाइनमेंट दूंगा, ऐसा नहीं कि कोई आपको पहले से पढ़ने के लिए टॉपिक दूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कल की क्लास आपकी 11 बजे से ही होगी, आज मीटिंग थी सिर्फ इस वजह से मुझे आज की क्लास को शेड्यूल करना पड़ा। ओके, थैंक यू।